हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। DSSSB नॉन टीचिंग पदों पर जो वैकेंसी आई है, परमानेंट पोस्ट, आयु, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, संपूर्ण विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेन वेबसाइट पर आते हैं, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो सबसे ऊपर जो है आप लोगों को एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2023 है और एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSSB। तो यहाँ पर वैकेंसी नोटिस जो है मैंने आपको बता दिया है, 5/2023 है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी हुई है, परमानेंट वैकेंसी है, ये सरकारी नौकरी है। तो ओपनिंग डेट जो है वो 9 जनवरी और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी है। नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन से जो है पद हैं, तो हमने कल बात कर ली थी जब शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था। अभी जो है ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। तो ये सभी जो है वो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और कुल जो पद हैं वो हमने कल ही बात कर ली थी, 2354 जो है यहाँ पर कुल पद हैं। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है, अगर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुल जो है 1672 पद हैं, जिसमें 788 अनरिजर्व कैटेगरी के पद हैं, जनरल कैटेगरी के। तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर के अंदर चाहिए, ठीक है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी 19,900 से लेकर 63,200 यहाँ पर आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। ये ग्रुप C की वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल दी गई है और एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर जो टेबल 8 दी गई है उसमें। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, कुल पद हैं 143, जिसमें जनरल की सीट है 57। यहाँ पर भी जो है 12th पास स्टूडेंट तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, या फिर 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी। पे स्केल जो है यहाँ पर काफी अच्छा रहेगा, 25,500 बेसिक पे रहेगी, 81,100 तक जो है यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 18 से 27 साल उम्र कही गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। कुल पद हैं 256, जिसमें जनरल की जो सीट है 107 है। यहाँ भी जो है वो 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी कंप्यूटर के अंदर मांगी गई है। पे स्केल जो है यहाँ पर रहेगी 19,900 से 63,200, 18 से 27 साल जो है यहाँ पर उम्र कही गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर कुल जो है वो 20 वैकेंसी निकाली है इस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें जनरल की 10 सीटें हैं। यहाँ पर भी जो है वो 12th पास स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड जो है वो मांगी गई है, 80 वर्ड पर मिनट जो है मांगी गई है यहाँ पर शॉर्ट हैंड एंड स्टेनो में आपकी होनी चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग मांगी गई है। पे स्केल रहेगी 25,500 से लेकर 81,100। यहाँ पर जो है एज 18 से लेकर 30 साल है और एज रिलैक्सेशन बिल्कुल कैटेगरी वाइज दिया गया है, बिल्कुल हम टेबल में देखेंगे जो टेबल 8 में दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कुल जो है वो 40 पदों पर वैकेंसी आई है, 14 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। 12th पास स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। सैलरी रहेगी यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200, 18 से लेकर 27 साल उम्र है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से भी जो है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, 14 कुल पोस्ट हैं, 6 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। यहाँ पर भी जो है सेम कंडीशन है और
क्वालिफिकेशन में, और यहाँ पर जो है सैलरी अलग है 25,500 से लेकर, यानी ये बेसिक पे रहेगी 25,500, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है 81,100 तक आपको सैलरी यहाँ मिलती है। 18 से 27 साल उम्र है। जूनियर असिस्टेंट जो है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो वैकेंसी है, 30 यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। 12th पास स्टूडेंट और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। यहाँ पर सैलरी जो है 19,900 से लेकर 63,200 रखी गई है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, और सैलरी भी जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है इसी डिपार्टमेंट की तरफ से जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इंग्लिश की, केवल दो वैकेंसी है। 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट। स्टेनो में 25,500 से लेकर 81,100 जो है यहाँ पर पे स्केल है। 18 से लेकर 27 साल उम्र रखी गई है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से भी वैकेंसी है। 28 कुल पद है यहाँ पर, और सेम चीज़ें हैं आपकी, बस सैलरी जो है वो यहाँ पर अलग है 19,900 से लेकर 63,200। उसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, इसमें कुल 5 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है। सैलरी आप देख सकते हैं, 18 से 27 साल की उम्र के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी है, कुल 28 पदों पर वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं इसमें। 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 19,900 से लेकर 63,200 इसकी सैलरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की तरफ से, इसमें कुल जो है वो 10 पोस्ट हैं। 12th पास स्टूडेंट और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसी है, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुल 2 वैकेंसी हैं, और ये दोनों ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर देखें दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की तरफ से जो है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है, 104 जो है वो कुल पद है। यहाँ पर जो है पदों की संख्या अधिक है और 44 इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। 12th पास स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में जो है टाइपिंग स्पीड चाहिए, हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट कहा गया है, और सॉरी इंग्लिश में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में होनी चाहिए स्पीड। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है। तो ये सभी जो है वैकेंसी के बारे में हमने बात कर ली है, वेतन क्या रहा, एज लिमिट जो है क्या मांगी गई है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन। अभी जो है यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो है लिंक है, इस पर आप लोगों को जाना है, रजिस्टर्ड करना है और फॉर्म फिल करना है। ओपनिंग डेट जो है वो 9 जनवरी से है और 7 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। फीस जो है वो मात्र 100 रुपये लगने वाली है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक एग्ज़ाम होगा जनरल में जो है, यहाँ जनरल अवेयरेंस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये सभी जो है 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन के होंगे, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट जो है एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, OBC को उम्र में 3 साल की, PWD अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के 10 साल की छूट है, PWD SC ST के 15 साल की छूट है, PWD OBC के 13 साल की छूट है, ठीक है। और बाकी जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है छूट। तो ये जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है छूट दी गई है। अधिकतम जो है उम्र 27 है, जितने भी हमने देखे थे अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकाली गई हैं, तो उसमें जो आप जैसे SC ST कैटेगरी है तो उसमें 5 जो है जोड़ ले 5 साल, इसी तरीके से OBC वाले 3 जोड़ ले, जैसे 27 ईयर है तो 30 ईयर तक के OBC कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगी गई है, 12th पास स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए कोई भी उम्र में छूट नहीं दी गई है, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए खासकर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जो है उनकी 35 साल जो है यहाँ पर अधिकतम उम्र है, और 40 साल जो है SC ST की कैटेगरी
SC ST कैटेगरी में जो वोमेन आती हैं उनके लिए है, और OBC कैटेगरी के लिए 38 साल उम्र यहाँ पर रखी गई है। बाकी सामान्य कैटेगरी की जो वोमेन है उनके लिए कोई भी छूट यहाँ पर नहीं है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो है एक दो दिन में ही आप लोगों को जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है तो उसकी भी जो है आप लोगों को जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो वैकेंसी सभी की जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 100 रुपये ही जो है यहाँ पर फीस लगने वाली है। थैंक यू।